बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक फ्रेंड्स इन देसी हर्बल ट्यूब। तो जी मेरे दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अदरक की चाय के फ़ायदे। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बहुत से फ़ायदे बताऊंगा कि आप चाय तो रोज़ाना पीते हैं, अगर आप अदरक उसमें शामिल कर लेंगे, अदरक का टेस्ट शामिल कर लेंगे, तो आपको उससे क्या क्या फ़ायदे हासिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, अदरक की चाय के फ़ायदे इस वीडियो में आप जानेंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल देसी हर्बल ट्यूब पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही खड़े हुए बेल आइकॉन पर क्लिक कर दें, ताकि इसी तरह की मजीद आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हम चलते हैं फ़ायदे की जानिब, सबसे पहले जो आपको फ़ायदा होगा, आपकी कुव्वत मुदाफ़त को अदरक की चाय बढ़ा देती है। तो दोस्तों, ऐसे हज़रा जिनमें कुव्वत मुदाफ़त की कमी हो तो वो अदरक की चाय इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से उनकी कुव्वत मुदाफ़त में फ़र्क आ जाएगा। तो दोस्तों, दर्द शकीका, फ़ायदा नंबर दो, दर्द शकीका में अदरक की चाय आराम देती है। आधे सर के दर्द को दर्द शकीका कहा जाता है, तो दर्द शकीका से ये आराम देती है। ज़हनी और असाबी तनाव को दूर करती है। तो तीसरा फ़ायदा इसका बहुत ही अहम है, ज़हनी और असाबी तनाव, हड्डियों के जो तनाव होते हैं, सख्त हो हड्डियों का सख्त हो जाना, उनको दूर करती है। पेट का दर्द ख़त्म करने के लिए इंतहाई मुअस्सर है अदरक की चाय। अगर आपको पेट दर्द हो रही है तो आप इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपका पेट दर्द ख़त्म हो जाएगा। सांस लेने के लिए मसाइल दूर करने में मददगार है क्या अदरक की चाय। खून की रवानी को बेहतर बनाने में मदद करती है अदरक की चाय। खून की रवानी को बहुत ज़्यादा बेहतर बना देती है, जिस्म के तमाम हिस्सों तक खून की रवानी आसानी के साथ मुंतकिल हो जाती है। मतली और कैस से निजात का एक अच्छा कुदरती ज़रिया है। तो दोस्तों, कुदरत ने इसमें बहुत ज़्यादा बेशुमार फ़ायदे रखे हैं, आप भी अदरक का इस्तेमाल करें, आपको मतली और कैस से भी छुटकारा हासिल होगा। तो दोस्तों, ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो पर लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल देसी हर्बल ट्यूब को लाजमी सब्सक्राइब करें। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया।